बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि जंग में पुतिन की सेना को सबक सिखाने के लिए तुर्की ने यूक्रेन को क्लस्टर बमों की सप्लाई शुरू कर दी। इससे पहले नेटो के इस सदस्य देश ने रूस से मुकाबले के लिए जेलेंस्की को बारकताश TB2 ड्रोन दिए थे, जिसने युद्ध में पुतिन की सेना की कमर तोड़कर रख दी थी। और अब पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि तुर्की ने यूक्रेन को खतरनाक क्लस्टर बमों की सप्लाई शुरू कर दी है। एक रिपोर्ट में ये दावा किया गया कि तुर्की से क्लस्टर बमों की पहली खेप पिछले साल नवंबर में ही यूक्रेन भेजी जा चुकी है, जबकि इन पर संयुक्त राष्ट्र ने रोक लगा रखी है। कई बार यूक्रेन रूस पर क्लस्टर बमों के इस्तेमाल करने का आरोप लगा चुका है, लेकिन अब वो खुद तुर्की से मिले इन खतरनाक बमों के इस्तेमाल की तैयारी में है। दावा किया गया कि जिन क्लस्टर बमों को तुर्की ने यूक्रेन भेजा है, उन्हें कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका की मदद से बनाया गया था, जिनका इस्तेमाल जेलेंस्की की सेना पुतिन की फौज को यूक्रेन से खदेड़ने के लिए करने वाली है। असल में क्लस्टर बम का नाम सुनकर बड़े बड़े सूरमा या यूं कहें कि बड़ी बड़ी महाशक्तियां कांप जाती हैं, क्योंकि इसमें एक दो नहीं बल्कि 600 बम होते हैं। क्लस्टर बम को जब आसमान से गिराया जाता है तो ये गुच्छे की शक्ल में जमीन पर गिरते हैं। बम का कंटेनर खुलते ही छोटे छोटे बम हवा में छिटक जाते हैं और जैसे ही ये जमीन पर गिरते हैं वहां तबाही मच जाती है। इनके गिरने के बाद आसपास के 25 से 30 मीटर तक के इलाके में किसी के जिंदा बचने की उम्मीद नहीं बचती। इसी वजह से जंग में इनके इस्तेमाल पर बैन है। और अब यूक्रेन तुर्की से मिले इन खतरनाक और घातक बमों के दम पर रूस की सेना को जंग के मैदान में पस्त करने की प्लानिंग में जुटा है। इधर RSS प्रमुख मोहन भागवत ने मुस्लिम समुदाय के लोगों को सलाह दी कि उन्हें भारत में डरने की जरूरत नहीं है। RSS के मुखपत्र ऑर्गेनाइजर और पांचजन्य को दिए एक इंटरव्यू में उन्होंने विस्तार से अपनी बात रखी और साफ शब्दों में कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोगों को भारत में कोई खतरा नहीं है। मोहन भागवत के इस बयान का कई नेताओं ने समर्थन किया। अच्छी बात है, मैं भागवत जी के इस बयान का स्वागत करता हूं। कई मुस्लिम संगठनों ने भी RSS प्रमुख के इस बयान की तारीफ की। उधर खबर है कि चीन ऐसी तैयारी में लगा है कि अगर उसका कोई ड्रोन एक बार उड़ जाए तो फिर वो हमेशा आसमान में उड़ता रहे। इसके लिए चीन में वैज्ञानिकों ने बेहद ताकतवर लेजर बीम टेस्ट किया और उन्होंने ऐसा तरीका ढूंढ निकाला जिससे ड्रोन को हवा में उड़ते ही चार्ज किया जा सकेगा। और अगर ड्रोन उड़ान के दौरान ही चार्ज हो जाएगा तो उसे जमीन पर आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब तक ताकतवर लेजर बीम से ड्रोन गिराए ही जाते हैं, लेकिन चीन के रिसर्चरों ने ड्रोन के दुश्मन को ही उसकी ताकत बनाने का दावा कर दिया। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि इस तरह ड्रोन को ऑपरेट करना बेहद महंगा पड़ेगा और इसके लिए बहुत सारी ऊर्जा की जरूरत होगी। इधर कर्नाटक में कांग्रेस ने सत्ता में आने पर 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने का वादा किया। राज्य में कांग्रेस ने आने वाले विधानसभा चुनावों को देखते हुए प्रजाध्वनि नाम से एक यात्रा शुरू की और इस यात्रा के पहले ही दिन कर्नाटक में कांग्रेस के अध्यक्ष DK शिवकुमार ने हर घर को 200 यूनिट मुफ्त बिजली देने की बड़ी घोषणा कर दी। कांग्रेस प्रजाध्वनि यात्रा के जरिए कर्नाटक के 21 जिलों में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेगी। इस बीच अमेरिकी खुफिया विभाग की एक अधिकारी ने आशंका जताई कि अलकायदा का सरगना अल जवाहिरी मरा नहीं है, जबकि पिछले साल अगस्त के महीने में वहां के राष्ट्रपति बाइडेन ने खुद उसके मारे जाने का ऐलान किया था और ये चेतावनी दी थी कि अमेरिका का दुश्मन दुनिया के किसी भी कोने में छिप जाए वो बच नहीं सकता। बाइडेन ने पिछले साल अगस्त में यह ऐलान तब किया था जब ये खबर आई थी कि CIA ने अल जवाहिरी को मार गिराया है। तब ये दावा किया गया था कि अल जवाहिरी अफगानिस्तान के काबुल में एक घर में छिपकर बैठा था, जिसका पता लगाने के बाद CIA ने एक ड्रोन हमले में उसे मार गिराया था। If you are a threat to our people, the United States will find you and take you out. लेकिन अब अमेरिका की खुफिया एजेंसी की ही एक अधिकारी उसके जिंदा होने की आशंका जता रही है। कहा जा रहा है कि अब तक साफ नहीं हुआ कि अल जवाहिरी हमले में मारा गया था या बचकर भाग गया।